नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीब करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। आइए पहले एक घटना सुनते हैं। ये घटना घटी थी श्री प्रिया अभिषेक शर्मा जी के साथ में, जो कि पेशे से एक लेखक और एक कवि हैं। महानुभाव प्रिया अभिषेक जी बताते हैं कि मैंने अपनी पिछली प्रकाशित पुस्तक में रविवार वाली संकट मोचन मंदिर की उन यात्राओं का उल्लेख भी किया। एक पेज में नीम करौली बाबा का भी संक्षिप्त परिचय भी उसमें शामिल किया। पब्लिश होने के पश्चात मुझे बाबा सपने में आना प्रारंभ हो गए। उनके बारे में तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा उनके साथ परिचय केवल उनके देखे गए एक चित्र के अनुसार ही था और कैंची धाम तो मैं कभी गया ही नहीं था, परंतु पिछले कुछ समय से जाने की एक इच्छा जरूर हुई। उस समय कोरोना नाम की महामारी अगर नहीं फैलती तो शायद मैं चला भी जाता। और इसी दौरान मेरे ऑनलाइन लिखे गए लेख में हिमालयन योगियों पर मेरे कुछ पोस्ट वायरल हो गए। बहुत सारे सज्जनों के साथ मेरा संपर्क स्थापित हुआ। उन्हीं दिनों एक सज्जन जो आज ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हृदय जोशी जी, उनके साथ एक बार टेलीफोन पर बातचीत शुरू हुई। अनायास बीच में उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कैंची धाम क्यों नहीं जाते, अगर आप जाना चाहेंगे और जाएंगे तो मैं आपके रहने का वहाँ पर प्रबंध करवा दूँगा। साथ में उन सज्जन ने यह भी जानकारी दी कि उनका पूरा परिवार बाबा का बहुत बड़ा भक्त रहा है। उनकी शादी भी स्वयं बाबा के द्वारा ही करवाई गई थी। ब्रिटेन स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में वे सज्जन एक अग्रणी अधिकारी हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि मैंने बाबा के बारे में कुछ ही समय पहले अपनी पुस्तक में वर्णन भी किया था। और मेरे नए नए बने उन मित्र को यह भी जानकारी नहीं थी कि कुछ ही समय पहले वसंत मेरे सपने में दर्शन दे रहे हैं। उसी रात को जब उन्होंने मुझे कैंची धाम आने को कहा था, पुनः बाबा मेरे सपने में आए और महाराज जी ने बड़ी ही कड़क आवाज़ में मुझे सीधा आदेश दिया बिना किसी लाग लपेट के। बाबा बोले, अब तो आ जा, बुलावा भी भिजवा दिया मैंने। प्रिय अभिषेक जी कहते हैं कि मैं तो उस दिन स्तब्ध एवं निःशब्द रह गया था। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि संत कोई शरीर में सिमटे हुए व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि सर्वव्यापक अलौकिक तत्व हैं। घटना बाबा के शरीर त्यागने के लगभग 50 वर्षों के पश्चात घटित हुई है और वह भी मेरे द्वारा किए गए एक छोटे से कार्य के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वह स्वयं ही उपस्थित हुए। इससे अधिक और क्या बोलूँ। बस मेरी आत्मा से तो एक ही बात निकली कि बाबा तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। तो दोस्तों, आपने देखा कि महाराज जी जब अपने भक्त को कैंची धाम बुलाते हैं तो उसे कैंची धाम आने के लिए प्रेरित करने के लिए, उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए और उसके लिए रास्ता बनाने के लिए बाबा बहुत जिद्दी हो जाते हैं। महाराज जी एन केन प्रकरण आपको कैंची धाम की तरफ लाने के लिए सब कुछ एक कर देते हैं। इसी घटना को विपरीत दिशा से देखिए कि आप महाराज जी के कैंची धाम जाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपके काम बनते हैं, बिगड़ते हैं, बार बार आप कोशिश करते हैं, जा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन और आपकी आत्मा अभी भी एकाग्र है कि मुझे तो कैंची धाम जाना है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन मुझे तो कैंची धाम बाबा के पास जाना ही है। आखिर क्या है कैंची धाम के अंदर ऐसा कि हर कोई भक्त जो महाराज जी का चित्र एक बार देख ले, बाबा का कोई एक भी लीला का वृतांत सुन ले, महाराज के बारे में किसी के मुख से ही सुन ले, अगले ही क्षण उसका मन श्री कैंची धाम से जुड़ जाता है और ऐसी डोर खींच जाती है कि एक छोर पर तो वह भक्त होता है और दूसरे छोर पर श्री कैंची धाम में विराजे हुए बाबा महाराज जी। श्री कैंची धाम आज जहाँ पर स्थापित है वह जगह 60 के दशक के दौरान दोस्तों कैंची नाम का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, जो नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था और यहीं पर बना था नीम करौली महाराज जी का आश्रम। पुराने दिनों को याद करते हुए अगर देखा जाए तो वहाँ पर जब भक्त पहुँचता तो वह शिप्रा नदी पर बने हुए लकड़ी के पुल को पार करते हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन की मधुर ध्वनि के साथ में कैंची आश्रम के अंदर प्रवेश करता और नीम करौली महाराज जी विंध्यवासिनी मंदिर के पास बने बरामदे में अपने तख्त पर बैठे भक्तों की भीड़ से घिरे रहते थे। भक्तों के इस समूह में अनेक विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनेता, स्थानीय महिलाएं, बालक, वृद्ध और गांव के दीनहीन कष्टधारी संकटों को समेटे हुए भक्त लोग होते थे। दिखने में तो नीम करौली महाराज जी का पहनावा मात्र एक सफ़ेद धोती और एक कंबल हुआ करता था। साधु संन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले चिन्ह जो उन्हें एक संत के रूप में दर्शाते, महाराज जी ने कभी भी उन्हें धारण नहीं किया। कई बार बाबा जी अपने सहज स्वरूप में तख्त पर ही लेटे रहते थे। लोग उनके पास जाते और उन्हीं से पूछते कि नीम करौली बाबा के दर्शन कहाँ पर होंगे, हम बड़ी दूर से आए हैं। तब वे बड़ी सरलता से कहते कि मैं किसी बाबा को नहीं जानता, हनुमान जी के मंदिर में जाकर
उनसे प्रार्थना करो, वही बताएंगे तुम्हें नीम करौली बाबा कहाँ है। बस इतना कहकर महाराज जी अपनी आँखें बंद कर लेते और फिर से लेट जाते। और दोस्तों, उसके बाद घटती उस भक्त के साथ में अनेक दिव्य लीलाएँ। वह हनुमान जी के दर्शन करने जाता तो जिनको अभी लेटे लेटे मिलकर आया होता है, वही बाबा हनुमान जी की मूर्ति की जगह पर साक्षात मूर्तिवत बैठे हुए मिलते। और अगर हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकलकर तख्त की ओर नज़र दौड़ाता तो पाता कि महाराज जी अभी भी वहीं पर लेटे हुए हैं। भक्त का तो इससे सर ही चकरा जाता कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, वो भी खुली आँखों से। ऐसा है कैंची धाम जहाँ पर आपको अनायास ही महाराज जी की विशेष कृपा से न जाने कितने अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं। कैंची धाम जो है दोस्तों, ये सन 1960 के आसपास महाराज जी ने इसका निर्माण कराना शुरू किया था। बाबा जी की परम लीला और उनकी विशेष कृपा से भक्तों के लिए एक बहुत ही उचित स्थान, इस पूरी भूगोल पर, इस पूरी धरती पर एक ऊर्जा का सर्वोच्च स्थान बाबा के भक्तों के लिए निर्धारित किया गया। और इस जगह पर आने वाले सारे भक्तों के कालांतर में हमेशा भाग्य पलटते रहे, उनकी किस्मत हमेशा खुलती रही। और जिस भी बड़े संकट को लेकर कोई भी भक्त श्री कैंची धाम के अंदर पधारता, उसके सारे संकट वो वहीं पर छोड़कर खुली बाहों से, खुले मन से और स्वच्छंद भाव से खुशी खुशी वापस अपने घर को लौट जाता। जीवन के अंदर महाराज जी अपने भक्त के इतने सारे परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों, जितने परिवर्तन तो एक दिन के अंदर प्रकृति स्वयं भी नहीं करती होगी। अब आपको बताते हैं बड़ी रोचक घटना, कैंची गांव का धाम बनने की कथा। दोस्तों, कैंची गांव का कैंची धाम बनने का बहुत ही सुंदर वर्णन है। ये 60 के दशक की प्रारंभ की बात है। सिद्धि माँ बाबा के साथ सीतला खेत जा रही थी। रानी खेत पहुँचने पर टेलीफोन से समाचार मिला कि श्री सिद्धि माँ के परिवार में किसी बहुत ही निकट संबंधी का देहांत हो गया है। यह सुनकर महाराज जी ने सिद्धि माँ को नैनीताल वापस लौट जाने के लिए आदेश दिया। और बाबा जी स्वयं वापस लौटते हुए रास्ते में नदी के किनारे एक घने जंगल के पास गाड़ी रुकवाकर उतर गए। सिद्धि माँ ने महाराज जी का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराई। नदी के पार जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बड़ी पाषाण शिला थी। महाराज जी जाकर उस पर बैठ गए और सिद्धि माँ से कहा कि उनके लौटने पर वह उन्हें यहीं मिलेंगे। वहाँ से वापस आते हुए सिद्धि माँ ने एक स्थानीय निवासी से उस जगह का नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया कैंची। यहीं सिद्धि माँ का कैंची से पहला परिचय हुआ था, जो बाद में उनके जीवन की कर्म भूमि बन गया। जिस चट्टान पर महाराज जी उस दिन बैठे थे, उसे कैंची धाम में अब महाराज जी की शिला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महाराज जी ने निकटतम गाँव के अपने जन्म जन्म के परिकार अपने भक्त पूर्ण चंद को बुलाकर उसकी मदद से और अन्य गाँव वासियों की मदद से श्री कैंची धाम का निर्माण कराया। इस कैंची धाम के अंदर आज भी ऊर्जा का सर्वोपरि स्थान स्थापित है और उसी के कारण बदल जाते हैं किसी भी आने वाले भक्त के सारे भाग्य के खेल। जिन भी विधि विधान के संघर्षों में वह उलझा रहता है, सारे के सारे यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से सुलझ जाते हैं। परंतु जब एक भक्त कैंची धाम में आता है तो उसे खास तौर से 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं दोस्तों, तो आपके साथ में निश्चित ही कैंची धाम के अंदर कृपा होगी, चमत्कार होगा और आपकी अटकी हुई किस्मत के द्वार जरूर खुलेंगे। आइए जानते हैं एक एक करके इन विशेष 3 बातों को, जिन बातों के द्वारा बहुत आसान हो जाएगा आपका श्री कैंची धाम में आगमन। इसमें पहली और विशेष बात है कि अपने मन के अंदर इस बात को निश्चित कर लीजिए कि जब भी आप कैंची धाम जाते हैं, अपने करे गए अनेक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इसका मूल आधार होता है कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं। आपको हमने वीडियो के स्टार्ट में जो घटना सुनाई उसमें भी ये बड़ा स्पष्ट होता है कि महाराज जी अपने भक्त को बुलाने के लिए जिद करने लग जाते हैं। अतः अगर आपका कैंची धाम में जाने का प्रावधान बन रहा है तो दोस्तों, इस बात को पूर्ण रूप से निश्चिंत कर लीजिए कि आप नहीं बल्कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं। श्री महाराज जी की विशेष कृपा के कारण आपको हर हाल में कैंची धाम बुलाया जा रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने किसी भी प्रयत्न पर जरा सी भी शंका, संदेह, संकोच या फिर कोई भी अफसोस ना करें। जैसे कि आप श्री कैंची धाम जाने के लिए टिकट करवा रहे हो और आपको टिकट नहीं मिल रहा हो तो आप बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जैसे कि आप किसी बस से जा रहे हो और आपकी बस छूट जाए, कोई परेशानी नहीं। अगर आपके पास में उचित धन की भी सुविधा नहीं है तो भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब महाराज जी बुलाएंगे और बाबा आपको बुलाने के लिए जिद्दी हो जाएंगे तो आपके लिए इस भौतिक जगत के अंदर कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। इस बात को पूर्ण रूप से गांठ बांध लीजिए कि महाराज जी की शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों, बिल्कुल नहीं चलती। इससे होगा क्या कि श्री कैंची धाम जाने के प्रति आपके अंदर एक पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाएगी। अधिकांशतः व्यक्ति जो कैंची धाम जाने लगते हैं, जिनको कैंची धाम जाने का कन्फर्म हो जाता है, दोनों परिस्थिति के अंदर जा पाएँ या ना जा पाएँ, अधिकांशतः भक्त बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं।
कहीं भी आपको जरा सा भी व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब आप इस बात को समझ कर अपने अंदर से व्याकुलता को शून्य कर लेंगे तो दोस्तों आपके अंदर अपने ईश्वर से मिलने के लिए पूर्ण रूप से स्थिरता आ जाएगी। और उसी स्थिरता के कारण आपकी जो अलौकिक ऊर्जा है वो कैंची धाम की अलौकिक ऊर्जा से मिश्रण कर पाएगी और आपके भाव को पूर्ण रूप से वहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी खास बात की ओर, जिसका आपको हमेशा विशेष ध्यान रखना है। वह ये कि जब आप श्री कैंची धाम जाने लगें, जैसे ही आपको खबर मिलती है कि आपका कैंची धाम जाने का प्रोग्राम अब फाइनल हो गया है, उसी क्षण से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना शुरू कीजिए। क्योंकि मार्ग में और वहाँ पहुँच कर भी आपकी ही इंद्रियां वो होती हैं जो आपको भटकाने के लिए बार बार कोई ना कोई प्रयत्न जरूर करेंगी। अगर लाख प्रयत्न करने के बाद में भी आपके पास में इसका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आपको हम बहुत ही आसान इसका उपाय बताते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपका कैंची धाम जाने का प्लान कन्फर्म होता है, अगले ही क्षण से हर सांस में राम राम करते जाइए, बस राम का नाम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप महाराज जी की वो स्तुति नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, उन पर एकाग्रता नहीं ला पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। बस हर सांस के अंदर राम करते जाइए, राम 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 राम। आप ये पाएंगे कि दोस्तों आपकी इंद्रियां और आपका मन और आपका मस्तिष्क तीनों के तीनों जब तक आप कैंची धाम जाकर वापस नहीं आएंगे, आप ही के गुलाम बनकर रहेंगे, आप ही के सेवक बनकर रहेंगे। आपसे वो वही करवाएंगे जो आपको उनसे करवाना नियमित है। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा खास काम आपको श्री कैंची धाम की यात्रा में अवश्य करना चाहिए, दोस्तों श्री कैंची धाम जब आप जाते हैं तो उसके बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप श्री भगवान जी के घर में हैं। इसका तात्पर्य ज़रा समझिए कि वह जगह जो है वो भगवान का स्वयं का स्थान है, भगवान के लिए बनाया गया स्थान नहीं। जी हाँ, भगवान जहाँ पर स्वयं रहते हों, अपनी इच्छा से रहते हों, किसी मनुष्य के द्वारा उनके मंदिर, उनका स्थान, उनका धाम निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि वह जगह तो स्वयं श्री भगवान जी ने चुनी है। अतः हर भक्त का ये परम कर्तव्य होता है कि जब वो श्री कैंची धाम की यात्रा पर जाए तो अपने साथ में कोई भी अनावश्यक सामग्री लेकर ना जाए और वहाँ जाकर बिल्कुल भी 1% भी गंदगी, कचरा, कूड़ा, करकट कभी ना करे। दोस्तों ये कहने को तो बहुत आसान बात है, लेकिन अधिकांशतः भक्त जब जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में कहीं भी कुछ फेंक देते हैं, थोड़ा दूरी पर फेंक देते हैं, उनको लगता है कि बह कर निकल जाएगा नदी में, हवा के साथ उड़कर चला जाएगा, या फिर कोई ना कोई कूड़ा करकट उठाने वाला उसे ले जाएगा। ये जो विचार आते हैं ये मात्र कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं होते। वास्तव में तो वह भक्त जो अनजाने में ही इस तरह की गतिविधि कर देता है, वह स्वयं श्री भगवान जी के घर में जाकर गंदगी फैलाता है। एक मानव शरीर को श्री भगवान जी के घर में जाने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, उसके फलस्वरूप अगर वह वहाँ जाकर गंदगी करता है तो उसकी किस्मत कैसे चमकेगी, कैसे उसके भाग्य के द्वार खुलेंगे, कैसे उस पर महाराज जी की भी कृपा बरसेगी। बाबा महाराज जी तो इस प्रकृति से बिल्कुल भी अलग नहीं है, महाराज जी और प्रकृति एक ही है दोस्तों। महाराज जी की इच्छा यही प्रकृति पूर्ण करती है और यह प्रकृति जैसा चाहे वैसा महाराज जी उसको चलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह भी है कि जब आपका भाग्य बदलता है तो भाग्य कोई वस्तु नहीं है दोस्तों जिसकी अदला बदली कर दी गई हो, भाग्य आपकी यात्रा है। आने वाले जीवन की बची हुई यात्रा के दौरान आपके कर्म सही दिशा में जाएं और उन कर्मों का परिणाम आपके अनुकूल हो, आपके जीवन के अंदर कम से कम संकट, द्वेष, अफसोस, हानि ये सब हो, इसी के लिए आप पर श्री कैंची धाम से भाग्य खुलने की विशेष कृपा की जाती है। अतः उसको संभाले रखने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से निश्चिंत कर जाइए। इन तीन बातों का सिर्फ अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीन करिए आपके श्री कैंची धाम में रखे गए कदम कभी भी विफल नहीं जाएंगे। आपको महाराज जी की बहुत ही अलौकिक विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बाबा का स्नेह और बाबा का प्रेम आपके सिर पर सदा बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं इन बातों का आप अवश्य पालन करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये जानकारी भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।